والصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع يبتحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور فالواشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أمنا مبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي بيان پیش کرنے کے لیے شیخ عربی امجد تشریف لائیں इंशाअल्लाह व बरकातहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले मैं कुछ अर्ज करूं, आप समाज फरमाए। आइए हम और आप मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक छोटा सा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरौनक बज़्म महफिल में मैं जिस उनवान के तहत बोलना चाहती हूँ वो है नमाज की अहमियत। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। आप तमाम जानते हैं इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर कायम है। नंबर एक कलमे शहादत का इकरार करना, नंबर दो नमाज कायम करना, नंबर तीन ज़कात देना, नंबर चार रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर पांच हज करना। इस्लाम के इन पांच अरकान में से एक अहम नहायत रुकन नमाज है, जिनको कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार हुक्म दिया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज की अहमियत के बारे में बहुत सी हदीस आई है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना। इस तरह हदीस में नमाज को गुनाहों का कफारा कहा गया है, नमाज को आँखों की ठंडक कहा गया है, नमाज को दीन का सुतून कहा गया है, जिसके बगैर दीन कायम रहना मुश्किल है। आज के एक वाक्या समाज फरमाए। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक कबीले के दो शख्स एक साथ मुसलमान हुए, जिनमें से एक जहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद हो गया और दूसरा एक साल बाद इंतकाल कर गया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा, वो शख्स जिसका एक साल बाद इंतकाल हुआ था वो शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो शहीद का मर्तबा तो बहुत बुलंद था, लेकिन ये शख्स शहीद से पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो गया? हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसका एक साल बाद इंतकाल हुआ था, क्या तुमने इसकी नेकियां नहीं देखी? क्या इसने एक साल रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? क्या साल भर की फ़र्ज़ नमाजों में से 6,000 रकातें ज़्यादा नहीं पढ़ी? आज 6,000 रकातें ज़्यादा नहीं पढ़ी? आज कुरान नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज की फजीलत ज़मीन पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नहीं, बल्कि सातवें आसमान पर इसरा व महराज की रात अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। सुभान अल्लाह। आज मुस्लिम मौशे पर निगाह डालते हैं तो देखते हैं बाज़ लोग कलमे शहादत का इकरार कर लेने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते और ना कोई अहमियत देते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें बेनमाजियों को नमाज की अहमियत बताकर समझाकर इस पर अमल करने को बताएं। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का अख्तिताम करना चाहूँगी। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हैं कल से पढ़ेंगे नमाज, कि रोज़ कहते हैं कल से पढ़ेंगे नमाज, कल अगर आँख ना खुली तो क्या करोगे। आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें और आप सबको नमाज पढ़ने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। पर्दा हर दौर में औरत के लिए मुकम्मल तहफ्फुज़ और मुकम्मल कामयाबी की जमानत है, इसलिए इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए मैं मदरसा हिदायतुल इस्लाम जमात चशम की तालिबात को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और पर्दा और आज का मुआशरा इस मौजू पर ड्रामा पेश करें। ही बैठकर पढ़ाई कर रही है। ए कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई? कल मेरा मूड नहीं किया। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। उफ, मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी इसलिए मैं नहीं आई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया। ए तू इतना लेट क्यों आई? मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़ते हैं, तो रोज का ही ऐसा है। खैर मैं तुम लोग से एक सवाल पूछूं? कुछ अब्बास। कोर्स पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं फिर भी अपने आप को अकेला फील करते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, चल तू ही बता दे। क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? कॉलेज की एग्जामिनेशन हॉल जहाँ हम सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं फिर भी अपने आप को अकेला फील करते हैं। सही कहा तूने। नाइस। ए तेरी ड्रेस तो बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। Hey, look at her. तुम लोग मेरे कलर की बात कर रहे हो? वो लड़की को देखो, इतने दिनों से एक ही ड्रेस पहन के आ रही है। चलो इससे पूछते हैं ऐसा क्यों आती है। चलो चलते हैं। हाय। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब आप किसी से मिला करें तो पहले सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लेकिन ये सलाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम सलामत रहो, अल्लाह की रहमत तुम पर हो और उनकी बरकत भी। वाओ, हम आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं? जी हाँ। आप ये काला काला ड्रेस पहनकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में कैसे चलती होगी? तुम्हें देखने में तकलीफ नहीं होती? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है? तुम सब इतने सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें पर्दे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम? नहीं। कॉलेज हो या कोई घर, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें कौन सी सेफ्टी है? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरे के दिल मायल कर देता है। नकाब है वो तो नकाब। पर्दा इंसानों और शैतानों के लिए जहन नजर हमारी हिफाजत करती है। बोलो आगे। तो क्या हम भी मुसलमान हैं? हम भी इसी तरह आ सकते हैं? तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, हम भी इसी तरीके से आते हैं, तुम भी इसी तरीके से आया करो ना। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुस्लिम कौम की औरत है और औरत का मतलब छुपाना है। मैं तमाम औरतों से गुजारिश करती हूँ कि पर्दा करें। क्या तुम्हें पर्दे की अहमियत नहीं पता? नहीं। मैं आज तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ, और ये बंद चॉकलेट, एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। आए आप एक चॉकलेट चुने। ये वाली। ये आपने इसे क्यों चुना? क्योंकि ये पैक है। वैसे ही हम मुस्लिम कौम की औरतें हिजाब इसीलिए पहनती है कि दूसरे मर्दों की नज़र हम पर ना पड़े। हाँ, अब हमें पता चल गया। हम भी पर्दा करने की कोशिश करेंगे।
अल्लाह ताला तमाम खवातीन को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।